आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कैकेयी ने देखा कि राम लक्ष्मण और सीता कितने सरल हैं, सरलता की उनकी कोई सीमा ही नहीं। एक बार भी उनके हाव भाव से, उनकी वाणी से या अन्य किसी भी प्रकार का कोई संकेत उसे ऐसा नहीं मिला कि ये तीनों कैकेयी के द्वारा किए गए उस व्यवहार से अप्रसन्न हैं, खिन्न हैं, दुखी हैं, कहीं से भी नहीं लगा। राम ने तो सबसे पहले कैकेयी की ही चरण वंदना की। कैकेयी भरपेट पछता रही है, भरपेट, और चाह रही है, विनती कर रही है धरती से कि वह फट जाए, उसमें समा जाए। यमराज से कह रही है कि उसे मृत्यु दे दे। और इसी शोक के अंदर, पछतावे के अंदर कैकेयी संतप्त हो रही है। अब हम भरत जी के पास चलते हैं, उनका क्या हाल है, क्या दशा है, क्योंकि अब दो दिन भी बीत गए हैं। जिन दो दिन की गुरुदेव वशिष्ठ ने एक मोहलत बढ़वाई थी कि आगे थोड़ी अवधि कर दो, जिससे जो अयोध्या वासी हैं वो कुछ तृप्त हो लें। लोकहु वेद विदित कब कहीं, राम विभुक थल नरक न लय हीं। वेदों में और लोकों में यह प्रचलित है कि राम से विमुख होने के बाद नरक में भी स्थान नहीं मिलता। यदि राम से विमुख हो गए तो फिर कोई गति नहीं। नरक में स्थान मिलना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई हमें नरक में जाने से भला कैसे रोक सकता है। जीवन भर के कामों का लेखा जोखा तो हमारी नरक में सीट रिजर्व करता है, तो यह तो हमारा अधिकार है नरक में जाना। और इधर ये कह रहे हैं कि राम से विमुख होने के बाद नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, तो फिर कहाँ मिलेगा? सोचिए, कौन सा स्थान होगा जब नरक में भी स्थान नहीं मिल रहा। यह संसेव सबके मन माही, राम गमन विध अवध की नाही। सबके मन में, अयोध्या वासियों के मन में ये बड़ा भयंकर संशय चल रहा है इस समय कि विधाता राम को अयोध्या भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। क्योंकि तो यदि नहीं भेजा तो राम से विमुख होने का अर्थ होगा कि हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। यह अयोध्या वासियों की भावदशा है। कितनी गहरी भावदशा में वे इस समय डूबे हुए हैं। निस्न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच। रातों की नींद उड़ गई है भरत जी की, और दिन में भूख नहीं लगती है, और इसी पवित्र सोच के अंदर वे घुलते जा रहे हैं कि राम अयोध्या लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। इसी सोच में नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल सकोच। कैसे भरत जी तड़फड़ा रहे हैं, तुलसीदास जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि जैसे कीचड़ के नीचे दबी हुई मछली, जल लगभग समाप्त होने को है, कीचड़ है, जल थोड़ा थोड़ा सा है, और जी उस कीचड़ में मछली किस प्रकार से छटपटाती है। कीचड़ में छटपटाती हुई मछली के समान भरत जी तड़फड़ा रहे हैं, इतने व्यथित हैं भीतर से, दशा बहुत गंभीर है।
कीन मात मिस काल कुचाली। काल ने उनकी माता के माध्यम से मिस किया, मिस माने धोखा, चाल चली काल ने, माध्यम बनाया उनकी जननी को और खेल खेल गया काल। इति भीति जस पाकत साली। और इस समय ऐसी दशा हो गई है कि जैसे फसलों को इति का भय हो। इति के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले समझाया था, यानी फसलों को खा जाने वाले कीड़े मकोड़े और आपदाएं, इन्हें इति कहते हैं। फसल जैसे ही पक के तैयार हुई धान की, और इधर किसान के मन में इति का भय समा जाता है कि कहीं ओले ना गिर जाए, तेज बारिश ना आ जाए, या टिड्डियों के दल ना आ जाएं, चूहे ना खा जाएं, पक्षी ना चुग जाएं सारी फसल को, ये इति के भय होते हैं। तो जिस तरह से फसल पकने पर इति का भय किसान को सता जाता है, उसी प्रकार से भरत जी भी इस समय उसी किसान के समान हैं जिनकी की फसल पकी खड़ी है सामने। प्रभु राम से मिलना था, मिलना हो गया, सामने फसल खड़ी है, अब क्या हो, दाने घर आएंगे या नहीं आएंगे। कह विधि होई राम अभिषेक को। ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम का अभिषेक हो। उन्होंने तो कह दिया था अपने सारे मंत्रियों को कि सारी सामग्री साथ ले चलो जो राज्य अभिषेक की होती है, वहीं पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे, अयोध्या लाने की भी हम जहमत नहीं उठाएंगे, वहीं पर। न जाने रास्ते में आते आते क्या हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है रास्ते में आते आते, तो इसलिए वहीं हम अभिषेक करके चलेंगे। मोहि अवकलत उपाय न एको। किंतु भरत जी कह रहे हैं कि मुझे एक भी उपाय ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, मैंने सारे आकलन करके देख लिए, सब कुछ सोच कर देख लिया, किंतु कहीं से भी कोई उपाय ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जिससे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया जा सके। अवस प्रिय गुर आयुष माने। एक मन कह रहा है भरत जी का कि राम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं। वशिष्ठ जी कहेंगे कि राम चलो अब अयोध्या लौट चलो, वे लौट चलेंगे, बस इतनी छोटी सी ही तो बात है, गुरु ने कहना है और वे लौट चलेंगे। अब ये भरत जी का मन इस समय अनेक विचारों के माध्यम से खेल रहा है, हम सबके साथ भी मन यही करता है। कोई भी समस्या, कोई भी दुविधा होती है तो मन अनेक अनेक प्रकार के विकल्प दिखाने लगता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, बहुत कुछ बताता है। तो यहाँ पर एक मन ने कहा कि भाई चिंता क्यों करता है भरत, गुरुदेव वशिष्ठ कहेंगे राम से और राम चल पड़ेंगे, गुरु की बात थोड़ी ना वो टालते हैं, कभी कभी नहीं टालेंगे। मुनपुन कहब राम रुच जाने। कहते हैं भरत जी ये सोच ही रहे थे कि उनका दूसरा मन बोला कि गुरुदेव वशिष्ठ राम को यूं ही कोई अंटसंट आज्ञाएं नहीं देते रहते हैं, वे राम की रुचि देखते हैं पहले, राम की रुचि के अनुसार ही उनको आज्ञाएं देते हैं। जो हो ना सके, जो अमर्यादित हों, उचित ना हों, ऐसी आज्ञाएं वे नहीं देते, पहले वे देख लेते हैं राम का रुख। मात कई हु बहुरी रघुराओ, राम जननी हट कर भी किकाओ। अब कह रहे हैं लेकिन अगर गुरुदेव नहीं कहेंगे
तो कौशल्या माता कह देंगी कि राम लौट चलो, और राम तो माता पिता की आज्ञाकारी हैं, राम कैसे टालेंगे कौशल्या की बात। और फिर अगली बात क्या कहते हैं, राम जननी हट करीब की काओ, कि वे राम की जननी हैं कौशल्या, वे क्या कहेंगी राम से लौट जाने के लिए, कभी नहीं कहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात भरत जी का मन सोच रहा है कि राम की जननी क्यों चाहेगी कि राम वनों में चले जाएं, क्यों चाहेगी, किसी की भी जननी नहीं चाहेगी। माँ कहेगी कि नहीं पुत्र तू लौट चल, अयोध्या लौट चल, लेकिन भरत जी कह रहे हैं वो राम की जननी है, राम को जन्म दिया है उन्होंने, राम को बहुत भीतर से गहराई से जानती हैं, राम को अच्छे से जानती हैं, राम को कि राम कितने सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे कभी नहीं कहेंगी कि राम तुम अयोध्या लौट चलो, उन्होंने राम पर ही छोड़ा हुआ है कि जो राम को उचित लगेगा राम वह करेगा। यदि यहां आकर अयोध्या से चित्रकूट तक की इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद, कष्टपूर्ण यात्रा, और यही कहना था कौशल्या ने राम को कि राम तुम लौट चलो, तो अयोध्या से ही वो क्यों जाने देती, वहीं रोक लेती। तो भरत जी कह रहे नहीं, राम की जननी है, वो कभी हट नहीं करेंगी। मोहे अनुचर कर केतिक बाता, ते ही मैं कुसम है बाम विधाता। और कहते मैं यदि कहूँगा कि प्रभु आप अयोध्या लौट चले, भरत जी कह रहे मैं सेवक हूँ, मेरी क्या बिसात, क्या औकात। मोहे अनुचर कर केतिक बाता, मेरी बात ही क्या है, मेरी कोई बात नहीं, सेवक हूँ मैं तो प्रभु राम का। गुरुदेव वशिष्ठ कह सकते हैं, कौशल्या माता कह सकती हैं, उन्हें आदेश दे सकती हैं, मैं तो सुझाव भी नहीं दे सकता, सेवक हूँ मैं, बस इतना जान रहा हूँ मैं, ते ही मैं कुसम है बाम विधाता, ये बुरा वक्त है, समय बहुत कठिन है और विधाता विपरीत हुआ पड़ा है, सारे समीकरण विधाता ने ऐसे बना दिए, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जो हट करूँ तो निपट कु कर्मों, और यदि मैं जिद करूँगा, हट करता हूँ, हट धर्मिता पर उतर आता हूँ और कहूँगा नहीं आपको तो लेकर ही जाऊँगा मैं, तो कहते हैं वह अधर्म होगा। कि सेवक स्वामी के आगे हट करे यह अधर्म है, पाप है। हर गिरी ते गुरु सेवक धर्मो, भरत जी कह रहे हैं कि जिस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं, कैलाश पर्वत, उस पर्वत से भी अधिक भारी है गुरु सेवक का धर्म, उस पर्वत से भी अधिक भारी और कठोर है। कह रहे हैं कैलाश पर्वत का तो कोई भार नहीं है, ना उसकी कोई कठोरता है, सबसे अधिक भार और कठोरता होती है सेवक के धर्म की, सेविकाई। बहुत कठिन है सेवक का धर्म, बहुत कठिन, क्योंकि सेवा में बहुत सजग रहना होता है, चूक ना हो जाए, कण मात्र की भी चूक ना हो जाए। अब सेवक थोड़ी ना मिलते हैं, अब सेवक नहीं है, सेविकाई का धर्म जानने वाले युग था कभी सेवक हुआ करते थे, प्राणों से भी अधिक प्राणपण से अपने स्वामी की सेवा किया करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी सेवक सेविकाई करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वे सारी सुंदर परंपराएं, सुंदर संस्कार सब खो गए, सब खो गए। भरत जी भाई हैं जबकि प्रभु राम के छोटे, किंतु वे कह रहे नहीं मैं तो सेवक हूँ, मैं कैसे बड़े भाई को आज्ञा दे सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, कैसे मैं उनके आगे हट कर सकता हूँ। एक हूँ जुगत ने मन ठहरानी,
एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहर रही थी कि कोई तो ठहर जाए कि हाँ इससे बात बन जाएगी। कोई भी नहीं ठहरती थी, बस जैसे घटाएं बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बहते जा रहे हैं, एक के बाद एक विचारों का बादल आ रहा है, अंधेरा छा रहा है, किंतु कोई ठहर नहीं रहा, ठहर कर बरस नहीं रहा। एकौ जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहन बिहानी। इसी सोच में सोचते 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 सारी रात बीत गई। इसी द्वंद्व में, इसी ओहापोह में, इसी चिंता में सारी रात भरत जी ने बिता दी और समाधान कुछ नहीं निकला। प्रात नहाई प्रभु शरण आई, सुबह नहा धोकर पहुँचे प्रभु श्री राम के पास, नमस्कार किया, उन्हें सिर झुकाया, बैठत पठई ऋषि बोलाए। अभी बैठे ही थे प्रणाम करके भरत जी प्रभु श्री राम के आगे कि कोई आया दौड़ता हुआ कि भरत जी गुरुदेव वशिष्ठ जी ने अभी बुलाया है, तत्काल चलिए। अब फिर कहाँ रुकना था, जब गुरुदेव ने बुलाया है तब तो चाहे राम के पास बैठे हैं जाना ही होगा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयुष पाए। भरत जी तत्काल उठे, गए गुरुदेव के पास, उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाया। अब जो बुलाने आया था हरकारा, उसने भरत जी से कहा कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। भरत जी आए हैं राम के पास प्रणाम करने, बैठे ही हैं, तत्काल बुलावा आ गया। राम यह नहीं कहते कि चलो भरत मैं भी चलता हूँ, गुरुदेव बुला रहे हैं तो ना, वहीं बैठे रहे कि गुरुदेव ने भरत को बुलाया है, मेरा जाना नहीं बनता। और ना ही भरत ने कहा कि आप भी चलिए, गुरुदेव बुला रहे हैं। ये बारीकियां देखिए आप, कैसी बारीकियां हैं, सूक्ष्म चिंतन कितना गहरा। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आयुष पाए, पहुंचे भरत जी वशिष्ठ जी के पास, प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा बैठो भरत, और गुरुदेव की आज्ञा मिलने के बाद भरत जी बैठ गए। विप्र महाजन सचिव सब जुड़े, सभा सब आए। भरत जी ने देखा कि यहाँ तो पूरी सभा जुड़ी हुई है, अकेले नहीं बैठे हैं गुरुदेव वशिष्ठ, मंत्री बैठे हैं, महाजन बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, सब लोग आए हुए हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, पूरा समाज जुटा हुआ है, यहाँ तो दरबार लगा हुआ है पूरा, कोई बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। बोले मुनिवर समय समाना, वशिष्ठ जी समयोचित वचन कहते हैं, सब कुछ देखकर जो परिस्थितियां हैं उनका मूल्यांकन करके वे कहते हैं, सुनो सभासद भरत सुजाना, हे सभासदों सभी मेरी बात सुने, और भरत भी मेरी बात सुने। विशेष रूप से भरत जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वशिष्ठ जी, विशेष रूप से। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। कहते हैं कि जो राम है ना, वे धर्म की धुरी हैं, धैर्य की धुरी हैं, और क्या है, सूर्य वंश के सूर्य हैं वे। राजा राम स्वबस भगवानु, वे राजा हैं, सूर्य वंश के राजा हैं, और स्वतंत्र भगवान हैं वे। वशिष्ठ जी अपनी बात की भूमिका बना रहे हैं कि उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता, वे स्वतंत्र हैं, कोई उनके निर्णयों को मोड़ नहीं सकता, परम स्वतंत्र हैं वे प्रभु श्री राम। सत्य संग पालक श्रुत सेतु, और क्या है, वे सत्य प्रिय हैं,
और वेदों की मर्यादाओं की रक्षा करने वाले हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, और राम का जो जन्म हुआ है संसार के कल्याण के लिए हुआ है। सारी भूमिका अभी तक वशिष्ठ जी बना रहे हैं, जो बात कहना चाहते हैं उसके लिए। गुरुपित मात वचन अनुसारी, और वे कैसे हैं? गुरु और माता पिता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, आज्ञाकारी हैं। खल दल दलन देव हितकारी, दुष्टों का राक्षसों का नाश करने वाले और सज्जनों साधुओं और देवताओं का हित करने वाले हैं। नीति प्रीत परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जानत जथारथ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि क्या नीति है, क्या प्रीति है, प्रतीति है, क्या विश्वास करना चाहिए, किस प्रकार की नीति होनी चाहिए, क्या परमार्थ है, क्या स्वार्थ है। ये स्वार्थ, परमार्थ, नीतियाँ, ये जो भी कुछ हैं, कौन राम सम जान जथारथ, राम के अतिरिक्त कोई भी इनको वास्तविक रूप में जान नहीं सकता। इनका यथार्थ क्या है, सत्य क्या है? कोई भी नीति है, कोई भी स्वार्थ है, परमार्थ है, हम सब बाहरी बाहरी रूप से जानते हैं, उसके भीतर का सत्य है, उसके मर्म को केवल राम जानते हैं, केवल राम। विधि हरिहर शशि रवि दिसपाल, माया जीव कर्म कुलिकाल। वशिष्ठ जी कह रहे हैं जितने भी ये लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रवि शशि चंद्रमा सूर्य दिक्पाल दिशाओं के रक्षक, ये माया भी हो गई, जीव भी हो गया, उसको भी ले लो साथ में, कर्म भी हो गए, काल भी हो गए, ये सब चीज़ों को साथ ले लो, जितने भी लोग हैं, अहिप महिप शेषनाग जी और धरती के जितने भी राजा हैं, वे सब जहाँ लगी प्रभुताई, अर्थात जहाँ तक भी जितनी राजाओं की प्रभुता है वे सब कुछ ले लो। योगियों को ले लो, योग सिद्धि निगमागम गाए, योगियों ने, सिद्धियों ने, निगमों ने, वेदों ने सब यही गाया है। करी विचार जो है देखी हुनी के राम रजाई शीस सभी के। ये जितने भी अभी गिनाए तुलसीदास जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा सूर्य काल जीव माया सिद्ध ऋषिगण मुनिगण राजा शेषनाग, कहते हैं ये जितने भी हैं ना, सब सब राम के अधीन है, सब राम के अधीन, और राम का रुख देखकर ही चलते हैं, राम की रजा देखकर, जिसमें राम की रजा हो ये वही करते हैं। राम रजाई शीस सभी के, सबके शीश राम की रजा के आगे झुके होते हैं, वे महेश्वर हैं, सबसे बड़े ईश्वर। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। वशिष्ठ जी कह रहे हैं देखो हमें राम की रजा में रहना है, और यदि ऐसे रहेंगे तो ही हम सबका हित हो सकता है, राम की रजा में, राम की इच्छा में। राखे राम रजाई रुख, हमें अपना रुख कहाँ रखना है, राम की रजा में, और यदि ऐसा करेंगे हम सब कर हित होई, हम सबका हित होगा। बता रहे हैं, समझा रहे हैं पूरी सभा को, विशेष रूप से भरत को। समुझ सयाने कर हूं अब सब मिली सम्मत सोए। वशिष्ठ जी कहते हैं देखो भाई तुम सब लोग बड़े सयाने हो, समझदार हो, योग्य हो, सब यहां बैठे हो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब जो तुम्हारा सम्मत हो, विचार हो, बातचीत कर लो सब आपस में, देख लो क्या करना है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। सब कह सुखद राम अभिषेक को, प्रभु श्री राम का अभिषेक निश्चित रूप से सभी के लिए सुखदायी है। मंगल मोद मूल जग मग एको, सबके मंगल और आनंद का मूल है, और यह एक ही मार्ग है कि उनका अभिषेक हो जाए।
कह विधि अवध चलिए रघुराव, किस तरह से राम अवध को चलें, कहूँ समझ सो करी हूँ उपाय। वही सोचो समझो और वही उपाय करो तुम लोग। मुझे तो अच्छी बात लग रही है वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बात सही है कि राम सब मंगलों के मूल हैं और उनका यदि राज्याभिषेक हो जाए तो फिर कहना ही क्या। यही एकमात्र उपाय है, मार्ग है, रास्ता है सबके शुभ होने का। और इसलिए आप सब लोग विचार करो, सोचो समझो, ऐसा क्या हो सकता है कि राम को अयोध्या लौटा लाया जाए। सोचो, सबके ऊपर बात डाल दी वशिष्ठ जी ने कहकर। सब सादर सुन मुनिवर बानी, सभी जो उपस्थित लोग थे सभी ने आदर के साथ मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की वाणी सुनी जो उन्होंने कहा। नए परमार्थ स्वार्थ सानी, वशिष्ठ जी क्या हैं, परमार्थ और स्वार्थ सबको अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें सनी हुई वाणी थी ये उनकी, हर प्रकार से परमार्थ और स्वार्थ दोनों से। स्वार्थ यानि स्व अर्थ, भीतर का अर्थ, उनके भीतर का भी अर्थ यही था। स्वार्थ शब्द बुरा नहीं है, हम कहते हैं मैं बड़ा स्वार्थी है, वो जिस आशय में कहते हैं हम कहते हैं, लेकिन स्वार्थ एक तटस्थ शब्द है, न्यूट्रल। स्वार्थ अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, स्वार्थ न्यूट्रल शब्द है। अब निर्भर होता है कि हमारा स्वार्थ किस में है, किस में स्वार्थ है। एक व्यक्ति का स्वार्थ है, स्वार्थ माने स्व अर्थ, भीतर का अर्थ, अपना अर्थ। एक व्यक्ति का स्वार्थ है कि वह राष्ट्र के साथ छल करके, धोखा करके, अन्याय अत्याचार करके, भ्रष्टाचार करके अपने देश को धोखा दे रहा है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो उसका जो स्वार्थ है वो निम्न कोटि का स्वार्थ हो गया, निम्न कोटि का स्वार्थ। एक व्यक्ति है जिन्होंने देश को आजाद कराया, स्वतंत्रता के संग्राम में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, प्राण भी लुटा दिए, वे भी स्वार्थी लोग थे, वे परम स्वार्थी थे, उनका स्वार्थ बहुत बड़ा था। उनका स्वार्थ था कि हमारा देश आजाद हो जाए, स्वार्थ, स्वार्थ, उनका स्वार्थ बिल्कुल व्यापक स्वार्थ था, संकीर्ण स्वार्थ नहीं था, विराट स्वार्थ था कि हम रहें ना ना रहें, हम चाहे मिट जाएं, किंतु हमारी आने वाली नस्लें खुली हवा में सांस लें। उनका स्वार्थ ये था कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हो जाए, उनका स्वार्थ ये था। तो हमें देखना होता है कि हमारा स्वार्थ निम्न कोटि का है या उच्च कोटि का। तो सभी कह रहे हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ की जो वाणी है वो स्वार्थ और परमार्थ से सनी हुई है। उत्तर ने आओ लोग भय भोरे, किसी को कोई उत्तर नहीं समझ में आ रहा था, सब भोरे हो गए। भोरे माने किम कर्तव्य में मूढ़, मिट्टी के माधव बन गए सब, भोले भाले बन गए सब, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया कि भैया जो समझाना था मैंने समझा दिया, सारी सभा बैठी है, सब पंचायत बैठी है, अपने आप उपाय ढूंढो निकालो कि कैसे राम को अयोध्या लेकर जाना है, ये तुम जानो। लेकिन मैं एक बात बता दूं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सबका हित उसी में है जिसमें राम की रजा हो, बस ये बात जान लो, अब तुम फैसला करो। अब क्या करें, सारी सभा चुप, किसी को कोई उत्तर ही नहीं सूझ रहा, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोले, आप ही बताइए, आप भी वहां बैठे हैं सभा में, भी बैठे हैं आप भी सब, क्या बोलेंगे, चुप, कोई तो बोलेगा। तो अब देखते हैं कौन बोल रहा है। तब सिर नाई भरत कर जोरे,
तब सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भरत जी बोलते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी ने भरत जी को भी संबोधित किया था, कहा था सभी सभासद मेरी बात सुने, भरत भी मेरी बात सुने, विशेष रूप से भरत का भी नाम लिया, वरना क्या आवश्यकता थी कहने की, सीधा कहते कि सारी सभा मेरी बात सुने, बात समाप्त हो गई। लेकिन भरत जी को रेखांकित किया उन्होंने, अंडरलाइन किया भरत जी का नाम बोलकर। तो अब भरत जी ही हाथ जोड़कर बोल रहे हैं सिर झुकाकर, और तो किसी के पास कोई बोल सूझ ही नहीं रहा कि क्या बोले। तो भरत जी क्या बोलते हैं, भानु भंस भय भूप घनेरे, कहते हैं इस सूर्यवंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, हमारा जो सूर्यवंश है, अधिक एक ते एक बडेरे, सब एक से एक बड़े थे, कोई कम नहीं था किसी से, जो भी सूर्यवंश के राजा हुए हर राजा पहले वाले राजा से बड़ा निकला, यशस्वी हुआ। जन्म हेत सब कह पित माता, और जितने भी हुए उन सब को जन्म देने वाले उनके माता पिता थे। भरत जी कह रहे हैं किसी भी संतान का जन्म होता है तो उसके जो कारण होते हैं वो माता पिता ही होते हैं, माध्यम माता पिता ही होते हैं, उनके माध्यम से ही कोई भी संतान है वो धरती पर उतरती है, उसका जन्म होता है, तो कारण माता पिता होते हैं। कर्म शुभाशुभ देई विधाता, लेकिन जो कर्म जो लेखे हैं वो माता पिता नहीं देते, जो भाग्य बच्चा लेकर आता है वो माता पिता नहीं देते, भरत जी कह रहे हैं वो तो विधाता ही देता है। कर्म शुभाशुभ, जो शुभ और अशुभ मिल रहा है, लाभ हानि मिल रही है, यश अपयश मिल रहा है, जो कर्म है हमारे वो माता पिता नहीं देते, माता पिता सिर्फ शरीर दे देते हैं, उसके बाद जो भाग्य है वह विधाता देता है, सुख दुख वही देता है, गुण अवगुण वही देता है, ये उसकी देन है। दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जग जाना, सो गोसाई विदगत जही छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। कह रहे हैं भरत जी की, गुरुदेव आपकी जो आशीष है ना, जो आपका आशीर्वाद, वो सब बिगड़े कामों को बना देता है, मैं ऐसा मानता हूँ, भरत जी बोल रहे हैं। हम सब ने देखा है कि आपका आशीर्वाद हर बिगड़े काम को बना देता है, उसमें इतनी शक्ति है आपके आशीर्वाद में कि विधाता के लिखे को भी वह मोड़ सकता है, और मोड़ा है उसने, हमने देखी हैं ये सब बातें। सो गुसाई विधिगत जही छेकी, आपने विधाता की गति को भी रोक दिया है। सकई कोटारी टेक जो टेकी, आप जो कह दें उसे भला कौन टाल सकता है। आप यदि कह दें कि राम अयोध्या जाएगा तो फिर जाएगा, विधाता भी फिर कुछ नहीं कर सकता, इतना बल इतना प्रताप इतनी शक्ति है आपकी वाणी में, यदि आप कहते हैं तो। बूझे ही मोह ही उपाय, अब सो सब मोर अभाग, कहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई उपाय बताओ, सभा से पूछ रहे हैं, और विशेष रूप से तो मुझसे आपने कहा कि भरत तुम ही सोचो क्या उपाय हो सकता है। कहते मेरा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, अर्थात आप तो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी गिनती ही कहाँ आती है, मैं होता कौन हूँ कोई निर्णय लेने वाला उपाय बताने वाला, और आप मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मेरे साथ तो दुर्भाग्य चल रहा है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि आपने मुझे कहा कि मैं निर्णय लूँ, मैं सोचूँ क्या करना है। अरे आपको सोचना है, आपकी बात को कोई नहीं मोड़ सकता, आप मुझसे कह रहे हैं। सुन सने मैं बचन गुर उर उमगा अनुराग, और भरत जी की ऐसी बात सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ के मन में भरत जी के लिए प्रेम उमड़ आया। बात तो सही कही है, बिल्कुल सही कही है, भरत जी वहाँ सलाह देने नहीं बैठ गए,
ये अच्छा गुरुदेव तो फिर मैं बताता हूँ, आप ऐसा कीजिए या सभासद ऐसा करें, हम ऐसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब जानते हैं भरत जी। वो कहते हैं मेरे बस में ही क्या है, मेरी चलती ही कहाँ है, जो चलती है गुरुदेव वशिष्ठ की चलती है, उन्हीं के चलाए सब कुछ चल सकता है। तो कहते हैं इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य क्या होगा, मैं कितना अभागा हूं कि आप मुझसे कह रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर बात भरत जी ने कही, और उसी बात को सुनकर वशिष्ठ जी के मन में उनके लिए प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपनो ही नाही। कहते हैं भरत एक बात सुनो, एक बात बिल्कुल सत्य है कि राम से जो विमुख हो जाता है ना, उसे सपने में भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सच की तो बात छोड़ दो, उसका कार्य सिद्ध नहीं होता, और ये बात सत्य है। और राम की कृपा से ही सारे काम सिद्ध हो सकते हैं। सकुचो हूं तात कहत एक बाता, अरद तज ही बुद्ध सर्वस जाता। कह रहे भरत एक बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कहते हुए, सोच रहा हूं कहूं या ना कहूं, पर अब तुमने मुझसे ऐसी बात कह दी है तो उस संकोच के बाद भी मैं ये बात कहूंगा। क्या कि सयाने लोग एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्ध तजही बुद्ध सर्वस जाता। यदि सब कुछ जा रहा हो, सब कुछ लुट रहा हो, तो जो समझदार और सयाने होते हैं ना, वे अपना आधा बचा लेते हैं। कहते हैं जो बचता है भाई वो तो बचाओ, नहीं तो ये भी चला जाएगा। तो अपना सब कुछ लुटता देखकर सयाने लोग, बुद्धिमान लोग आधा बचा लेते हैं अपना। अभी तक जो भी बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं सब गोलमोल कह रहे हैं, रहस्यवादी ढंग से, साफ साफ कुछ नहीं कहा अभी तक। भाई क्या आधा लुट रहा है, क्या आधा बचाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब गोलमोल बात कह रहे हैं। अब बोल दिया उन्होंने भरत जी को कि सब कुछ जाता हो तो आधा बचा लेना चाहिए, ये समझदार कहते हैं। तुम कानन गौन दो भाई, फिर ही लखन सिय रघुराई। कहते हैं एक उपाय है, वशिष्ठ जी बताते हैं कि तुम और शत्रुघ्न दोनों जंगलों में चले जाओ, दोनों वनवास के लिए चले जाओ, और राम लक्ष्मण और सीता को हम अयोध्या ले जाते हैं। भाई सब कुछ लुटता हो तो आधा तो बचे, तुम भी यहाँ आ गए हो कि अगर राम नहीं लौटेंगे तो मैं उनके साथ जंगलों में चला जाऊँगा, यही शपथ लेकर तुम चले हो ना वहाँ से कि मैं लौट कर नहीं आऊँगा, या तो राम को लाऊँगा नहीं तो मैं भी उन्हीं के साथ वनों में रह जाऊँगा। तो भैया रे हमारा तो सब कुछ लुट रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो सब कुछ जाते देखकर समझदार ये कहते हैं कि आधा बचते आए तो बचा लो, जितना बचे बचा लो, तुम तो मानोगे नहीं, तो एक काम करते हैं हम राम लक्ष्मण और सीता इनको वापस अयोध्या ले जाते हैं, वनवास तुम चले जाओ। क्या उपाय बता रहे हैं वशिष्ठ जी, क्या उपाय बताए, ये तुम चले जाओ वनवास। सुन सुवचन हर्ष दो भ्राता, ये वचन सुनकर दोनों भाई तो बड़े प्रसन्न हो गए, भरत और शत्रुघ्न जी। जो बाकी भाई लोग हैं वो भी सोचें जरा, कौन प्रसन्न होता है ऐसे, कौन प्रसन्न होता है कि कहा जाए कि अच्छा तुम चले जाओ, उनको वापस लौटा लाते हैं। तभी तो भरत जी और शत्रुघ्न जी जैसे दिव्य पात्र संसार की समझ में नहीं आए, आएंगे भी नहीं आगे तक, केवल उनको ही समझ में आएंगे जिन पर राम की कृपा हो गई है, राम ही समझाएं तो बात समझ में आए। दुनिया कहती है
ऐसा कैसे हो सकता है कि भरत जी प्रसन्नता पूर्वक तैयार हो गए हों, कि खुश हो गए हों कि अरे वाह ये तो बात बन गई। सुन बचन हर से दो भ्राता भे प्रमोद परिपूर्ण गाता, और उनके पूरे शरीर परिपूर्ण आनंद के साथ कंपित हो उठे, पुलकित हो उठे ये बात सुनते कि ये तो बड़ा सुंदर उपाय है। पिता की बात भी रह जाएगी, वनवास भी हो जाएगा, बात भी बन जाएगी। भरत जी ऐसा सोच रहे हैं कि बड़ा सुंदर उपाय बताया ये तो। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, उनका मन प्रसन्न हो गया और तेज विराजमान हो गया उनके पूरे शरीर पर, मुख पर तेजस्वी, जो अभी तक मुरझाए हुए थे एकदम चेहरे चमक उठे ये सुन के कि वाह ये बात बन गई, पहले क्यों नहीं ये विचार आया। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं लौटा ले जाऊंगा राम लक्ष्मण और सीता को, लेकिन तुम्हें जाना होगा, तो वे कर देंगे, पक्का कर देंगे ये काम जब कह दिया है तो। प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, चेहरा चमक उठा। जन जी राऊ राम भय राजा, और जी में उनको ऐसा लगा ये सुनते ही बस अभी कहा है वशिष्ठ जी ने, ये बात सुनते ही उनको लगा कि राम का राज्याभिषेक भी हो गया और उनको राजा भी बना दिया गया। ऐसा आनंद हुआ, ऐसा आनंद। बहुत लाभ लोगन लगुहाने, अब बाकी सब लोग जो सभासद थे जब उन्होंने वशिष्ठ जी की ये बात सुनी तो उनको लगा कि हाँ लाभ तो ये बहुत है कि राम लक्ष्मण और सीता लौट आएंगे, लेकिन हानि भी है इसमें कि भरत और शत्रुघ्न जा रहे हैं। हानि कम है लाभ अधिक है, वो सब ये सोचने लगे। सोचना देखो कहाँ चल गया, किस दिशा में सबका सोचना चल गया। ये कह रहे हैं हाँ चलो ठीक है भरत शत्रुघ्न वन चले जाएंगे, नुकसान तो फिर भी होगा, क्योंकि उधर कहा है वशिष्ठ जी ने कि आधा तो नष्ट होगा ये, तुम सोचो पूरा बच जाए, हालात ऐसी हैं परिस्थितियां ऐसी हैं कि पूरा नहीं बचाया जा सकता, या तो पूरा ही जाएगा। और सयाने कह गए हैं कि बुद्धिमान वही है जो पूरा जाता देख आधा भी बचा ले। तो सभासद कह रहे हैं चलो इसमें ही संतोष कर लेंगे, क्योंकि इसमें लाभ ज़्यादा है, हानि भी हो रही है पर कम है। विसहमत हो गए सब मन ही मन। सम दुख सुख सब रोवो ही रानी, अब ये बात सुन के सारी रानियां रोने लगी, जितनी भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनकी माताएं थी, जितनी भी दशरथ की रानियां थी, वे फिर से रोने लगी। क्यों रोने लगी भाई? क्योंकि राम वन जाए या भरत और शत्रुघ्न वन जाए, दुख तो उनको होगा ही होगा। ऐसा तो संभव है नहीं कि भरत शत्रुघ्न चले जाएं और वे प्रसन्न हो जाएं, तो दुख तो वहीं का वहीं रहा, घटा तो कहीं से भी नहीं। तो उनका रोना धोना शुरू हो गया रानियों का ये बात सुनकर। एक वाक्य है, एक उपाय है, तीन जगह प्रतिक्रिया होती है अलग अलग। भरत जी और शत्रुघ्न जी जब सुनते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट जाएंगे लेकिन उनको उनके बदले वनवास जाना पड़ेगा, तो खुशी के मारे उनका चेहरा चमक उठा, जान आ गई, ऐसा लगा कि जैसे अभी राज्याभिषेक हो ही गया। और जितने भी सभासद थे वे सोचने लगे कि भैया हानि तो फिर भी हो रही है लेकिन फायदा ज़्यादा है, लाभ बहुत है। राम का लौट आना, अयोध्या का राज्य चलाना, उनकी बात अलग है। तो राम यदि आ जाते हैं तो लाभ बड़ा है लेकिन हानि फिर भी है, छोटी हानि है लेकिन हानि है। और
उनकी माताएं, उनका तो रोना धोना शुरू हो गए। तो कहे कि आपके बड़े बेटे को मारे या छोटे को मारे तो क्या होगा, असहनीय दुख होगा ना। चुनाव कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते कि चलो अच्छा है इसको मार दो, इसको बचा लो। तो रानियां कैसे अपने हृदय को संभालें, वे तो माँ का हृदय है। तो सभी माताओं ने रोना आरंभ कर दिया है, स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण हो गई है। क्या होगा आगे, क्या होगा? भूल जाइए कि आपको पता है आगे क्या होगा, भूल जाइए, ये भूल जाइए बिल्कुल कि राम अयोध्या नहीं लौटेंगे। अभी सब भूल जाइए। सुनने का यदि वास्तविक रस लेना है तो सब पहुंच दो अपने भीतर का, सब पहुंच दो। ये याद ही मत रखो कि आप सभी को सारी राम कथा आगे तक पता है, बिल्कुल याद मत रखो। कोरे होकर सुनने की कला यदि सीख सकते हो तो अभी सीख लो, सिखा रहा हूं मैं, सीख लो। जो स्त्रियां हैं समझ ले वे कि दशरथ की रानियों के बीच उनकी सखी बनकर बैठी हुई हैं। जो पुरुष हैं वे सोच लें कि वे अयोध्या की सभासद हैं। अन्य सभी भी सोच लें कि वे प्रजाजन हैं, वहीं बैठे हैं। इस समय गुरु वशिष्ठ ने ये बात कही है, आगे क्या होगा राम जाने। आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। जिस दिन कथा को सुनते सुनते आपका मन कहने लगेगा मैं नहीं जानता, उस दिन जानने की यात्रा शुरू होगी, उस दिन। तो अनजान बन जाइए, कोहरे बन जाइए, कुंवारे बन जाइए, ऐसे जैसे कि आज ही जन्म हुआ है, अयोध्या में जन्म हुआ है और अयोध्या वासियों के साथ आप राम को लेने गए हैं। ये बहुत बड़ी विधि बता रहा हूं, बहुत बड़ी विधि। राम राम। सीता राम सीता राम कहिए, जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। सीता राम सीता राम कहिए, जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम कहिए, जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। सीता राम सीता राम कहिए, जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। सीता राम सीता राम कहिए, जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। सीता राम सीता राम कहिए, सीता राम सीता राम कहिए, जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। जाहि भीतर राखे राम ताहि भीतर रहिए। सीता राम कहिए,
जाहि भी तेरा खेरा ताहि भी तेरे, जाहि भी तेरा खेरा ताहि भी तेरे। सीताराम 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 कहिए, जाहि भी तेरा खेरा ताहि भी तेरे, जाहि भी तेरा खेराम ताहि भी तेरे। सीताराम 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 कहिए, जाहि भी तेरा खेराम ताहि भी तेरे, जाहि भी तेरा खेराम ताहि भी तेरे, जाहि भी तेरा खेरा ताहि भी तेरे।